नमस्कार दर्शक बंधु, आपण माने जानिथिबे आगकु महाशिवरात्रि आसुची। आम हिंदू परंपरा रे महाशिवरात्रि रो विशेष महत्व अछि, कारण एही दिन महादेव ज्योति रूपरे प्रकट होइथिले, आउ एही दिन शिव पार्वतींकर विवाह मध्य होइथिला। तेणु शास्त्र अनुसार एही दिन बहुत पवित्र अटे। एही दिन महादेवंकु भक्ति भावरे पूजा कले धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त हुए बोले मान्यता अछि। भगवान भोलानाथ बहुत भोला अटंती, से गोटे लोटा पानी रे और बेलपत्र रे मध्य प्रसन्न हो जाती, किंतु महादेव बहुत जल्दी रागी मध्य जाती। तेबे एपरी किछि जिनिस अछि जहाँ पूजा रे व्यवहार कले महादेव रागी जाती, आउ एपरी मध्य किछि जिनिस अछि जहाँ कले महादेव प्रसन्न हो जाती। तेबे महादेवंकर पूजा समय रे किछि विशेष कथार ध्यान देबा उचित। तेबे आजिर वीडियो रे आमे माने जानिबा एही महाशिवरात्रि रे महादेवंक पूजा किपरि भाबे करिबा, कोन कोन महादेवंकर प्रिय आउ कोन कोन तांकु अप्रिय। प्रथमे एही दिन आपण माने धळा किंबा लाली रंगर वस्त्र पिंधंतु, एहा महादेवंक बहुत प्रिय। महाशिवरात्रि रे महादेव शिवलिंग रूपरे प्रकट होइथिले, तेणु एही दिन शिवलिंगर पूजा कले महादेव और माता पार्वतींकर विशेष कृपा लाभ हुए। एही दिन महादेव को बेलपत्र निश्चित चढ़ातु, कारण महादेव को बेलपत्र बहुत पसंद। जदि संभव तेबे बेलपत्र रे ओम नमः शिवाय लेखि प्रभु को चढ़ातु। महाशिवरात्रि दिन डेरी जाए न सोई सकाळु जल्दी उठी स्नान करी महादेवंकर सकाळ पूजा करंतु। भूले भी एही दिन कला रंगर कपड़ा पिंधंतु नाही। महाशिवरात्रि रे शिवलिंग उपरे चढ़ा जाइथिबा जिनिस को खांतु नाही, एहाकु खाइले एहाकु अशुभ मना जाए। जदि आपण महाशिवरात्रि रे शिवलिंग रे जल चढ़ाउछंती तेबे केबे मध्य शंखरे जल चढ़ाइबा उचित नुहे, कारण महादेवंक पूजा रे शंखर व्यवहार करा जाए नाही। आपण तंबा स्टील किंबा पीतल लोटार व्यवहार करिपारिबे। जदि आपण महादेवंकु क्षीर किंबा दही चढ़ाउछंती तेबे तंबा लोटार व्यवहार करंतु नाही, कारण तंबारे क्षीर आउ दही विष होइजाए। तेणु आपण माने काच रूपायर पीतलर लोटा व्यवहार करिपारिबे। महादेवंक पूजा रे केतकी आउ चंपा फुलर प्रयोग मध्य करिबे नाही। महादेवंक पूजा रे एही फुल वर्जित मना जाए। महादेवंक पूजा रे हळदी कुकुम सिंदूरर प्रयोग मध्य करंतु नाही, कारण महादेवंकु वैरागी मना जाए, आउ हळदी कुकुम शुभतार प्रतीक। तेणु शिवलिंग रे केबे मध्य एहाकु चढ़ंतु नाही। आपण जेउथिरे महादेव निज परिवारंक सह थांति माने माता पार्वती गणेश आउ कार्तिकेयंक सह थिबे सेथिरे आपण हळदी कुकुमर व्यवहार करिपारिबे। किंतु शिवलिंग महादेवंक वैरागी रूपर प्रतीक, तेणु केबे मध्य हळदी कुकुम शिवलिंग उपरे व्यवहार करिबे नाही। महाशिवरात्रि रे भूल ले भी काह सह झगड़ा करंतु नाही, मद मांसर सेवन मध्य करंतु नाही। जदि एपरि करंती तेबे महादेवंक क्रोधर सामना आपण करिपारंती। एही दिन पशुपक्षी मानंकु मध्य कष्ट देबा उचित नुह। महादेवंकर महाशिवरात्रि पूजा शहे दिनर पूजा सह समान। महाशिवरात्रि रे भूलले भी तुलसी पत्रर व्यवहार करंतु नाही। महादेव आ गणेशंक पूजा रे तुलसी पत्रर व्यवहार हुए नाही, एपरि कले आपण माने पापर भागीदारी हेबे। एही दिन महादेवंकु अक्षत निश्चित भाबरे चढ़ंतु, एपरि कले महादेव खुशी होइथांती। एही दिन रात्रि रे उजागर रही महादेवंकु पूजा करंतु, जहाद्वारा महाशिवरात्रि रो पूर्ण फल आपणंकु मिलि पारिबो। महाशिवरात्रि पूजा दिन महादेवंकर पूजा सह माता पार्वती प्रभु गणेश नंदी भगवानंकु मध्य पूजा करंतु, नचेत आपणमानंकु महाशिवरात्रि रो फल प्राप्त हेबो नाही। एही दिन षंढंकु चारा निश्चित खाइबाकु दियंतु, कारण महादेवंकु नंदी बहुत पसंद। शास्त्र रे एहा मध्य कुहा जाइछि कोन कोन महाशिवरात्रि रे केबे मध्य करिबा उचित नुह।
महाशिवरात्रि रे महिला मानंकु शिवलिंगर स्पर्श करिबा उचित नुह। आपण बेलपत्र क्षीर दही चढ़ाई पारिबे किंतु शिवलिंग को स्पर्श करंतु नाही। शिवलिंग रे चढ़ा जाइतबा जल जेपरि पादरे स्पर्श न हुए ताहा प्रति ध्यान देबा उचित। शिवलिंग रे जल को मुंडरे मारिबा उचित। एही जल को छोटो छुआंक उपरे पकाइले मध्य भल। एहा द्वारा शरीर रे शीतलता आसे आ नजर दोष मध्य दूर हुए। शिवलिंगर सर्वदा अधा परिक्रमा करिबा उचित। यार विशेष ध्यान देबा उचित जहाद्वारा आपण मानंकु महादेव को पूजार पूर्ण फल प्राप्त हेबो। बहुत जिनिष एपरि अछि जहा आपण मानंकु महाशिवरात्रि दिन केबे मध्य खाइबा उचित नुह। आ बहुत खाद्य एपरि अछि जहा आपण मानंकु निश्चित खाइबा उचित। महाशिवरात्रि रे बहुत जन निर्जल उपवास रखंती, बहुत जन जलाहार मध्य करंती। ध्यान रखंतु एही दिन आपण माने डालिंब कमला आदि रस पी पारिबे किंतु केबे मध्य आखु रस पियंतु नाही। एही दिन धळा लुण और कळा लुण खाइबा जमा भी उचित नुह। आपण माने चाहिले संदर्भ लुण को खाइबारे व्यवहार करि पारिबे। भूल ले भी चाउल आ रोटी सेवन करिबा उचित नुह। आपण माने चाहिले गोटे समय रोटी सेवन करिपारिबे किंतु चाउल सेवन केबे मध्य उचित नुह। मीठा जिनिस मध्य आपण माने खाई पारिबे। प्याज रसुण मांस मद ठारु दूर रे रहंतु ताहाले जाई आपण को महादेवंकर कृपा प्राप्त हेब। एही दिन आपण माने खीर मध्य पी पारिबे किंतु मने रखंतु जेते बेले भी आपण खीर पीबे सेथिरे किछि चीनी पकाई पीबे। जदि आपण चीनी सेवन मध्य न करंती तथापि गोटे रु दुई दाना चीनी निश्चित भाबरे पकेइबे कारण खीर को केबे मध्य खाली पिया जाए नाही। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने महादेवंकर भक्त होइथांती तेबे कमेंट रे ओम नमः शिवाय लिखिबा को जमा भी भूलिबेनी। आउ जदि महादेवंक पूजा सह जड़ित अन्य वीडियो सब देखा चाहूंटी तेबे तले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी आपण माने चाहिले देखिपारे। और जदि आज वीडियोटी भल लगी था वीडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ।